हेलो एवरीवन, मैं नलिनी। आज देखिए हम सेवई बनाएंगे, टेस्टी सेवई। कैसे इसे रिच टेस्ट बनाए मैं आपको बताऊंगी। बहुत लोग बनाते हैं इसे, लेकिन झटपट दूध में डाल के बना लेते हैं। हम देखेंगे इसे और टेस्टी कैसे बनाना है। मैंने 1 लीटर दूध लिया है एंड 2 टेबलस्पून काजू। देखिए मैं छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ, हाफ़ नहीं, उसके छोटे पीसेस कर रही हूँ। ज़्यादा टेस्ट होता है छोटे पीसेस करने से। 1 टेबलस्पून घी में मैं उसे फ्राई करूँगी, रोस्ट करूँगी पिंकिश होने तक। दूध को अच्छे से बॉईल करिए। बॉईल होते समय नीचे से मिक्स करिए, नहीं तो नीचे हल्का सा पकड़ेगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको नीचे से मिक्स करना है जब आप दूध मिक्स करोगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू, मेलन सीड्स एंड डेट्स लिए हैं। मेलन सीड्स ज़्यादा आप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, जैसे काजू लास्ट में पिंक होंगे उसी गरम पैन में आप मेलन सीड्स डाल के जस्ट फ्यू सेकेंड्स जस्ट घुमाएं, वो तुरंत पिंक हो जाते हैं। ज़्यादा उन्हें भूनने का ज़रूरत नहीं है, रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ब्लैक होके टेस्ट चेंज हो जाएंगे। एंड मैंने 5 डेट्स लिए हैं, उसे मैंने पीसेस कर दिया है, छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं डेट्स को कट करके। अगर सॉफ्ट डेट्स है कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम हार्ड नहीं, मीडियम मीडियम सॉफ्ट है, तो मैंने इसे स्मॉल पीसेस में मैंने कट करके ड्राई फ्रूट्स बाजू कर लिए हैं। एंड ये दूध में मैंने कंडेंस मिल्क मिक्स किया है, आप शुगर भी डाल सकते हो, कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, आपको कंपलसरी आप ही उसे ही डालना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप शुगर भी डाल सकते हो इसे। दूध जब बॉयल होता है तो उसके साइड्स पकड़ते हैं, तो उसे आप मलाई को निकालते हुए घुमाएं, नहीं तो बाजू में पकड़ के वो एकदम थिक होके आपको दूध पतला होगा, इसलिए मलाई के साथ घुमाया उसे। हम सुबह शाम दूध बॉईल करके, मलाई आता है दूध में, अगर ऐसा मलाई है तो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो दूध में। देखिए मैंने स्पून से कंडेंस मिल्क डाला है, 4 to 5 स्पून्स, वो 1/4 कप होता है। आप 1/4 कप कंडेंस मिल्क डालिए या 1/4 कप शुगर, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, आप जितना स्वीट खाते हैं उसके हिसाब से आप डालिए। ये 1/4 कप होता है, मैंने जो स्पून डाली हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। दूध को मिक्स करते समय नीचे से घुमाते हुए मिक्स करिए, एंड साइड्स जो मलाई पकड़ा है उसे निकालते हुए आपको मिक्स करना है। एंड 1 लीटर मिल्क 3/4 होने तक आप उसे बॉईल करिए, तब आपको थिक मिल्क होके उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। मैंने देखिए सेवई पैकेट लिए है, एकदम पतले वाले सेवई है ये, रोस्टेड और बिना रोस्ट किए हुए भी मिलते हैं आपको। मैंने रोस्टेड लिया है, अगर आपका नॉर्मल है तो उसे आप घी में रोस्ट करिए, ऑयल में नहीं। अगर आपको घी पसंद नहीं है थोड़ा सा डाल के रोस्ट करिए, लेकिन घी में ही करिए, तभी आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। ये मैंने पतले वाले सेवई लिए हैं। दूध को कंटिन्यूस मिक्स करना है, छोड़ मत दीजिए, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होगा, आप जस्ट एक दो बॉईल आ जाने के बाद सेवई मिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा उसे 5-10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स उसे बॉईल होने दें, ताकि 3/4 तक आ जाए दूध, तब आपको थिक उसका टेस्ट डिफरेंट रहेगा थिक होके। एंड आपको कंटिन्यूस मिक्स करना है इसे। मैंने सेवई का पैकेट, हाफ पैकेट लिया है पतले वाले सेवई, इसका टेस्ट डिफरेंट एंड बहुत टेस्टी होता है ये वाला।
मैंने 1 लीटर के लिए नहीं 3/4 के लिए लिया है, क्योंकि हम बॉईल करके उसे 3/4 करेंगे। इसीलिए देखिए हाफ़ पैकेट मैंने रख दिया है, आप उसे छोटे पीसेस कर लीजिए, लंबे लंबे मत डालिए, फिर आपको खाते समय उसे प्रॉब्लम होगा, इसलिए पीसेस कर लीजिए, उसे पीसेस करके रख लीजिए। जैसे आपका दूध 3/4 में आएगा आप सेवई ऐड करें उसमें। देखिए साइड मलाई पकड़ रहा है, उसे निकालते हुए घुमाना है आपको। और एकदम हाई फ्लेम में भी आपको बॉयल नहीं करना है, स्टार्टिंग में हाई रखिए उसका बॉयल आने तक, उसके बाद में आप मीडियम फ्लेम में उसे 10 मिनट्स अच्छे से बॉयल होने दें। अभी हम इसमें सेवई ऐड कर लेंगे। ये सेवई ज़्यादा टाइम पकने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट्स काफ़ी है इसके लिए। मोटे वाले को थोड़ा टाइम लगता है, एकदम पतले हैं तो एकदम तुरंत बन जाते हैं ये। जस्ट 2-3 मिनट्स, जस्ट एक दो बॉयल आए तो ये पक जाता है। ज़्यादा भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है इसे, ये बहुत ही टेस्टी है, ईद में कंपलसरी बनाते हैं ये। अभी रमजान चल रहा है एंड ये आप ज़रूर बना के खाएं, बहुत टेस्टी है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। ऐसे आप दूध को ज़्यादा बॉयल करके बनाइए उसको थिक कंसिस्टेंसी आने तक। अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। देखिए इसमें मेलन सीड्स बहुत टेस्टी होते हैं, आप मेलन सीड्स डालिए इसमें। मैंने 2 टेबलस्पून मेलन सीड लिया है एंड डेट्स, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है आपको सेवई में। देखिए हमारा टेस्टी सेवई बनके रेडी हो गया है। अभी हम इसे बाउल में ले लेंगे। आपको हम मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड इंस्टाग्राम में nalini_explores27 फॉलो कीजिए। आप भी ज़रूर बना के खाएं ईद में सेवई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।